जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि मेरा ताल्लुक भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री पाकिस्तान की उससे है, और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं सोच रहा हूँ कैसे से, वो ये है कि हम लोगों की जो डायरेक्शंस हैं वो कुछ थोड़ी सी मिसमैच हो गई है, अलाइंड नहीं है। मतलब हम लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल रही हैं, और इसमें कसूर हमारा नहीं है, बल्कि जो एक सडन सोशल मीडिया का जो रश आया है और जो चीज़ें जो हमारी ओपिनियन को अल्टर हो गई हैं उसका हमें भी अंदाज़ा नहीं है, और हम सब इन चीज़ों इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। मींस कुछ अर्सा पहले तक, कुछ सालों पहले तक हम लोगों के अंदर इतनी मटेरियलिज्म नहीं था, या जो हम छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो पैसों में या एक लग्जरियस लाइफस्टाइल में नहीं ढूंढा करते थे। लेकिन अब एक दूसरे की देखा देखी दिल करता है, आपका भी करता है होगा, मेरा भी करता है, तो ज़रूरत इस बात की है कि अब हम ऐसी चीज़ों को लेके आगे चलें, ऐसे लोगों के साथ कंपनी करें, ऐसा कंटेंट देखें, ऐसे लोगों की बातें सुनें जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरे इस चैनल का और मेरे इस पेज का जो पर्पस है वो एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी। देखिए, हम लोग किसी न किसी अंदाज में करते हैं, हम लोग इमदाद भी करते होंगे गरीबों की, हर बंदा करता है, वो काम होता ही है, लेकिन क्यों ना हम अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें सोच और दी है और दिमाग दिया है हम उसको इस्तेमाल करें। मतलब हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आप लोगों की सजेशन और जो कंट्रीब्यूशन है उसका वेट करूँगा। तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और इसमें मैं सबसे पहले आपको जो एडवाइस करूँगा कि अपनी लाइफ के लिए हम लोग मिलकर एक शेड्यूल बनाएं, और उस शेड्यूल के अंदर हम एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है उसके लिए टाइम निकालें, क्योंकि एक सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे हेल्दी हार्मोन्स बॉडी से निकलते हैं जो हमें खुशी देते हैं। इसके अलावा आप डिस्कस करें मेरे साथ।